हेलो एंड वेलकम बैक टू इंटराकॉगनीशन तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्बन कम्युनिटीज़ के बारे में बेसिकली हम सब जानते हैं अर्बन कम्युनिटीज़ क्या होता है लेकिन यहाँ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है ना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अर्बन कम्युनिटीज़ कैसे डिफाइन की जाती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टेचुररी टाउन क्या होता है और सेंसस टाउन क्या होता है ना सेंसस की क्या क्राइटेरिया है किसी कम्युनिटी को अगर अर्बन कम्युनिटी डिक्लेयर करना है तो तो वो डिस्कस करेंगे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और है अर्बन एग्लोमेसन है ना इसमें क्या होता है क्या क्राइटेरिया है अर्बन अरबन का ठीक है तो ये सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे चलते हैं अर्बन कम्युनिटीज होती क्या है जैसे हम सब जानते हैं पॉपुलेशन ज़्यादा होगी है ना पॉपुलेशन कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा प्री डोमिनंस ऑफ़ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ही होगी ज़्यादातर सर्विस सेक्टर होगा इंडस्ट्रीज़ होगी बेटर प्रोविजन ऑफ सोशल अम्यूनिटीज़ जैसे हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा होगा बेसिक जो एमिनिटीज़ है जैसे हेल्थ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स एंड ऑल वो रूरल कम्युनिटीज से बेहतर होंगे तो ये सारी चीज़ें और सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे चार से पाँच सोशोलॉजिकल साइंटिस्ट ने अर्बन कम्युनिटीज़ को डिफाइन किया है तो उन सारे साइंटिस्ट के परस्पेक्टिव से अर्बन कम्युनिटी को समझने की कोशिश करेंगे लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या स्टेच्यूटरी टाउन क्या होता है और सेंसस टाउन क्या होता है तो स्टेच्यूटरी टाउन का मतलब है कि लॉस जो लॉस में डिफाइंड है ना एज नोटिफाइड अंडर द लॉस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है ना तो स्टेच्यूट मतलब क्या होता है स्टेच्यूट मतलब एक लॉ तो स्टेच्यूटरी टाउन जो state government कि स्टेट गवर्नमेंट ने डिफाइन किए कि हाँ इसको हम स्टेच्यूटरी टाउन घोषित करते हैं ठीक तो रिको, रिको, है तो दीस टाउन आर रिकोगनाइज बाय कैसे रिकॉग्नाइज होते हैं म्यूनिपल कॉर्पोरेशन होगा या तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हम हिंदी में बोलते हैं महानगर पालिका और नगर निगम भी बोल सकते हैं दूसरा म्युनिसिपल कमेटी हो सकती है जैसे नगर परिषद होता है तीसरा म्यूनसिपालिटी नगर पंचायत हो सकती है तो ये तीनों अगर किसी जगह पे है किसी कम्युनिटी में है स्टैचुटरी तो उसको स्टैचुटरी टाउन कहेंगे हम है ना तो नगर पंचायत नगर परिषद और महानगर पालिका ये तीनों में से कोई भी हुआ तो वो स्टैचुरटेरी टाउन है ठीक है इसमें जो ग्राम पंचायत है वो नहीं आ रहा है ठीक है तो या फिर इसके अलावा जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि अदर अर्बन एरिया जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया जो स्टैचुटरी से डिफरेंट बोल दिया गया कि ये स्टैच ये कैंटोनमेंट बोर्ड है यहाँ पे तो वो भी एक स्टेचरी टाउन में आ जाएगा नोटिफाइड एरिया जैसे टूरिस्ट और पिलग्रिम सेंटर्स होते हैं कई सारे हिल स्टेशन होते हैं जहाँ पे नगर पंचायत नगर परिषद महानगर पालिका नहीं होती लेकिन उनको गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि टूरिस्ट प्लेस है या पिलग्रिम सेंटर है तो वो एक अर्बन कम्युनिटी के अंदर आएगा है ना तो अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर कर दे कि टूरिस्ट प्लेस पिलग्रिम प्लेस कैंटोनमेंट बोर्ड या कोई भी नोटिफाइड एरिया अगर उसको डिक्लेयर कर देती है वो अर्बन कम्युनिटीज़ स्टेचुटरी टाउन के अंदर आता है ठीक है अब सेंसस टाउन में आते हैं कि 2011 की जो डेफिनेशन है सेंसस टाउन की उस वो क्या है कि मिनिमम 5000 हजार पॉपुलेशन होनी चाहिए पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो 400 सौ पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए ठीक है अब तीसरा जो क्राइटेरिया है कि 75 परसेंट दिस मेल मेल वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल वर्कस है ना तो 75 परसेंट ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल वर्कस में होने चाहिए तो ये लेटेस्ट डेफिनेशन है इसके पहले जो ये मेल था ये नहीं था यहां पे सिर्फ 75 परसेंट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन था अब यहाँ इसको स्पेसिफिक किया है कि जो मेल वर्किंग पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में होनी चाहिए जैसे इंडस्ट्रीज या सर्विस सेक्टर्स ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आगे चलते हैं अब ये समझते हैं कि जो सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है है ना किस किस साइंटिस्ट ने क्या बताया है अर्बन कम्युनिटी तो मैक्स वेबर कहते हैं कि ये ज्यादा इवॉल्व हुई भी रहती है ना अर्बन कम्युनिटीज आर मोर मोर इवॉल्व्ड ऑर्गेनाइजेशनली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेशनलिटी है ना रेशनैलिटी के प्रिंसिपल पे वो ज़्यादा इवॉल्व हुई भी होगी अर्बन कम्युनिटीज़ विद द प्रेजेंस ऑफ मार्केट एंड ए स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ ट्रेडर्स है ना मार्केट भी होगा और एक स्पेशलाइज्ड क्लास होगी ट्रेडर्स की ठीक है अब आप बोलेंगे कि मार्केट और ट्रेड्स तो आ, अर्बन की जगह विलेज कम्युनिटीज़ या फिर हम कहें रूरल कम्युनिटीज़ में भी होते हैं लेकिन यहाँ पे जो ट्रेड एंड कॉमर्स है ये प्री ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स है ना कि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का यहाँ पे डोमिनेंस होगा जो आपको अर्बन कम्युनिटीज़ आपको रूरल कम्युनिटीज़ में देखने को नहीं मिलेगा तो यहाँ ये यह इंपॉर्टेंट है कि मार्केट और ट्रेड एंड कॉमर्स बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स ठीक है अब सिटीज कैरेक्टर्स बाय हॉ अलग अलग टाइप के लोग होंगे क्योंकि इंडस्ट्री है वहां पे सर्विस सेक्टर है अलग अलग जगह से लोग वहां जाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हमको वहां मिलेंगे हेट्रोजिनिटी होगी इम परसनैलिटी होगी है ना इम पर्सनैलिटी पर्सनल लाइफ मतलब उतना पर्सनैलिटी आप जो किनशिप टाइज है वो नहीं होगा एनोनिमिटी होगी ठीक है अब लुइस विर्थ कैसे समझाते हैं इसको कि लार्ज डेंस और परमानेंट सेटलमेंट सोशली हेट्रोजिनियस इंडिविजुअल्स का है ना तो ये हमने इसमें भी देखा था वेबर में और यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि

तो ये बेसिक चीज थी विर्थ ने जो कही अब ठीक है अब जो रिलेशन है वो इंपर्सनल सेगमेंटल सुपरफिशियल ट्रांसिटेरियन प्रिडेटरी नेचर होता है ठीक है जो भी रिलेशन है वहां पर अब रोबर्ट रेडफील्ड ने यहां पे एक मॉडल भी

होते हैं वहाँ पे जो रिलेशन होते हैं वो स्मॉल कम्युनिटी होगी छोटी होगी सेक्रेट होगा हर किसी को वहाँ पे एंट्री नहीं होगी हर किसी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ठीक है हाईली पर्सनलिस्टिक बहुत पर्सनल रिलेशन बहुत ज़्यादा इंटीमेट होते हैं होमोजिनस होगा एक ही तरह के लोग आपको मिलेंगे है ना अब अर्बन कम्युनिटीज़ में उन्होंने कहा कि इम्पर्सनल होगा है ना कई तरह के ग्रुप्स मिलेंगे जो सेकेंडरी होंगे हेट्रोजिनस होगा सेक्युलर और डिसऑर्गेनाइजड अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हर्बर्ट फैंस ने रखा कि जैसे हमने जो पिछले जितने भी साइंटिस्ट उन्होंने कहा कि सेकेंडरी ग्रुप होता है इमपर्सनल रिलेशनशिप होती है ये सारी चीज़ें अर्बन कम्युनिटीज़ में होती है लेकिन यहाँ हर्बर्ट फैंस का कहना है कि ये जो रिलेशन ये जो फीचर्स हमने पढ़े हैं ये सिर्फ मेन सिटी का फीचर्स है मेन या इनर सिटी जो कोर सिटी होती है उसमें ये सारे फीचर्स पाए जाते हैं जैसे इंपर्सनल रिलेशन सेकेंडरी ग्रुप्स का पाया जाना ये सारी चीज़ें लेकिन उसने कहा कि जो सब अर्बनाइट्स होते हैं एक डिफरेंट ग्रुप वहाँ पर बनाया उन्होंने कि सब अर्बनाइट्स जो होते हैं उनकी एक डिफरेंट वे ऑफ लाइफ होती है जिसको उन्होंने कहा कॉसी प्राइमरी है ना तो रूरल कम्युनिटी में आपको प्राइमरी ग्रुप ज़्यादा मिलेंगे अर्बन कम्युनिटीज में सेकेंडरी ग्रुप मिलेंगे जो बीच में है जिनको उन्होंने कहा सब अर्बन आइट्स वहाँ पर क्वासी प्राइमरी होगा है ना ना प्योरली प्राइमरी ना प्योरली सेकेंडरी कॉसी प्राइमरी तो यहाँ पे जो लॉज ऑफ किनशिप एंड प्राइमरी कम्युनिटी जो रूरल अर्बन एरियाज में जो रूरल एरियाज में हमको मिलती है ना किनशिप जो होता है एकदम हमारा इंटर पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छा होता है इंटीमेट रिलेशनशिप होती है प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं है ना तो वो जो है वो अगर लोज़ हो रहा है तो वो अर्बन एरिया में सुपरसीडेड बाय एमरजेंस ऑफ नेबरलीनेस है ना तो नेबरलीनेस यहाँ पे होती है जो नेबरहुड है ना वो ज़्यादा इंटीमेट हो जाते हैं तो नेबरहुड टाइज आर मोर इंटीमेट देन प्रोफेशनल अदर सेकेंडरी टाइज अब ये कह रहे हैं कि जो नेबरहुड टाइज होती है ना जो सिटी में या फिर अर्बन कम्युनिटीज में जो नेबरहुड टाइज होगी वो ज्यादा पर्सनल होगी ज्यादा इंटीमेट होगी किससे जो सेकेंडरी ग्रुप है जैसे प्रोफेशनल ग्रुप हो गया बिजनेस एसोसिएशन हो गया उनसे वो ज्यादा इंटीमेट होगी लेकिन मोर गार्डेड देन प्राइमरी किनशिप फैमिली मोर गार्डेड यानी कि थोड़ा बचा के रखेंगे ना हम पूरी पर्सनल डिटेल्स हम नेबरहुड से भी शेयर नहीं करते हैं। तो गार्डेड होगा किससे प्राइमरी जो किनशिप फैमिली हमारी आ, आ, रूरल एरियाज में होती थी उससे गार्डेड होगा मतलब वहां हम सब कुछ शेयर करते थे क्योंकि हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती थी और बहुत प्राइमरी ग्रुप होता था इंटीमेट रिलेशनशिप तो रूरल एरियाज में क्या होता है सब कुछ हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं लेकिन नेबरहुड में हम थोड़ा गार्डेड होते हैं थोड़ा सा गार्डेड रहेंगे कि सारी चीजें डिटेल शेयर नहीं करते नेबरहुड से ठीक है तो यहां मोर गार्डेड देन प्राइमरी किनशिप फैम और फैमिली एंड मोर इंटीमेट देन सेकेंडरी टाइज तो ये हर्बर्ट फैंस ने बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे क्लासिफिकेशन दिया ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट हमने स्टैचुररी टाउन और सेंसस टाउन के समझे अब अर्बन एग्लोमरेशन को समझ लेते हैं कि कई बार हम देखते हैं सिटीज़ के बाहर कोई यूनिवर्सिटी कैंपस होता है या रेलवे कॉलोनीज जो होती है वो सिटी के बाहर तक चली जाती है ना पोर्ट एरियाज हो गया मिलिट्री कैंप्स हो गए वो बिल्कुल सिटी के बाहर चले जाते हैं अब कई बार ऐसा भी होता है कि वो गाँव को टच हो जाते हैं जैसे इफ़ मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मैं उज्जैन से बिलोंग करता हूँ यहाँ पे कई सारे जो कॉलेजेस है वो एकदम शहर से बाहर हो जाते हैं तो वो दूसरे गाँवों को टच करते हैं तो यहाँ यही है कि रेलवे कॉलोनीज़ हम अब डेफिनेशन को देखते हैं रेलवे कॉलोनीज उसी को हम अर्बन एक्लोमेशन कहते हैं ना जो हमने अभी समझा ना कि जो रेलवे कॉलोनीज़ या जो दूसरे जो कैंपस है यूनिवर्सिटी कैंपस वो सारी चीज़ें अगर सिटी के बाहर चली जाती किसी गाँव को टच कर दे रही है है ना उसकी रेवेन्यू लिमिट्स में चली जा रही है उस विलेज के तो उसको हम पूरा एक एग्लोमरेशन कहेंगे अर्बन एग्लोमेसन है ना तो कोर टाउन जो है एटलीस्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिटेंट टाउन ऑफ द अर्बन एग्लोमेशन शुड भी स्टैचुटरी टाउन अब स्टेचुटरी टाउन होना चाहिए एक है ना अगर दो टाउन आप मिला रहे हो तो एक स्टैचुटरी टाउन होना जरूरी है और जो टोटल पॉपुलेशन है उस दोनों का गाँव का शहर या गाँव या गाँव या दोनों गाँव हुए एक स्टैचुटरी हुआ एक सेंसस हुआ तो उसमें बीस हजार पॉपुलेशन हो होनी ज़रूरी है ठीक so, है सो अर्बन एग्लोमेशन इज कंस्टिट्यूटेड इन द फॉलोइंग वे ए सिटी और टाउन विथ वन और मोर कंटिन्यूअस आउट ग्रोथ है ना एक सिटी है या टाउन है उसके बाहर का जो गांव है वो उससे मिल गया किसी कैंपस के द्वारा या किसी रेलवे कॉलोनी के द्वारा या किसी पोर्ट एरिया के द्वारा दूसरा टू और मोर एडजॉइनिंग टाउन्स विथ और विदाउट देयर आउटग्रोथ अब दो टाउन दो स्टेटरी टाउन मिल गए जैसे एग्जाम्पल लें इंदौर और देवास तो वो उन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक अर्बन एग्लोमरेशन हम उसको कहेंगे ठीक ठीक है है तो ये एक था थीके? अब आगे ऑफ अर्बन कम्युनिटीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो भी हमने इसके पहले जो वीडियो में डिस्कस किया था गेमन चाफ्ट एंड गेजल शाफ्ट जो क्राइट जो क्लासिफाई uh, किया था फर्डिनेंड एंड टोनीस ने तो उसमें जो गेजल शाफ्ट में जो uh, फीचर्स है वो सारे फीचर्स अर्बन कम्युनिटीज के ही थे तो आपने अगर वीडियो वो नहीं देखा है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से तो गैजल छाफ्ट एंड गेम एन उसमें जो गैजल छाफ्ट वाले जो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी अर्बन कम्युनिटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स है ठीक है तो यहां हम उसको रिपीट नहीं कर रहे मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया आपको चीज़ें समझ में आई कॉन्सेप्ट समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट